गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और पता है हमने क्या बनाया है? डिनर में बनाया हुआ है चाट। आज हमने बनाई रगड़ा चाट। कुछ स्पेशल सा, कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था और ये कल जाएगी तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा इसको बना के खिला देती हूँ जाते जाते, है ना। सो हमारी बिल्कुल चाट बन गई है। मैंने मीठी वाली जो चटनी है वो बनाई एंड जो हरी वाली चटनी है वो बनाई हुई है। ये देखो चटनी का कलर देख कितना शानदार आया है ना। एंड ये देखो हमारी सारी तैयारियां हो गई हमारी चाट की। ये चाट बन गई है, मटर वाली जो चाट ना वो बनाई हुई है। सो चाट रेडी है। चाट का जो भी सामान है ना यहाँ पे प्याज टमाटर बॉयल्ड आलू सारा कुछ सामान हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और ये है दही उसके ऊपर डालने के लिए और ये है मीठी वाली जो चटनी गुड़ और इमली की बनाई है। सो बस इनको देख के ना मुँह में पानी सभी हम लोग सर्व कर लेते हैं एंड उसके बाद खाते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं और पतिदेव को टेस्ट करवाते हैं कैसा बना है, क्योंकि आज उनका बहुत मन हो रहा था खाने का इसलिए बनाई हुई है एंड इसको भी मैंने सोचा खिला दूंगी, है ना। कल जा रही है, मेरे को बहुत याद आएगी इसकी। आने वाले तो जाते ही हैं और रहना तो हमको अकेले ही है, कितने दिन रह लेगी। आएंगे, चले जाएंगे। हेलो, हाय कर लो तो। क्यों बिल्ली को खिला के आए? अच्छा, सो पतिदेव आ रहे हैं ऑफिस से मजदूरी करके। ऑफिस में बोला था, मजदूरी से बोला था। मजदूरी बोला करूं तो मजदूरी तो है। ये देखो हमारी चाट एंड उसके बाद हम क्या डालेंगे, दही डालेंगे। ओके, सो दही को फेंट लेते हैं। मीठी वाली चटनी और हमने सारा कुछ घर पे बनाया हुआ है, सब मिक्स हो गया अपना। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, अच्छा सा लगाएगा इससे। क्या ये देखो हमारी चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। बस स्पून और रख देते हैं और थोड़ा सा हमने इसमें नमकीन ऐड कर दिया है क्योंकि हमारे पास पपड़ी है नहीं, तो नमकीन डाल के ये हो गई हमारी चाट रेडी। मुझे पानी आ गया, चल पतिदेव को देख के आते हैं। कैसा लग रहा है, तीखा ये वाला भाग? बॉइल्ड आलू है, कच्चे नहीं है, पकाए हुए हैं। इन्होंने फर्स्ट कमी तो निकाल दिए, बाकी अब खा रहे हैं। और कुछ कमी? बनी कैसी है, अच्छी नहीं बनी? खट्टी ज्यादा लग गई है। देख तेरे जिया जी ऐसा फीडबैक देते हैं खाने में। हाँ आप खाओ, आप बताओ। एक दो सीटी और लगा लेने की मटर में। अब ने कितनी सीटी लगाई थी मटर में, ना हाँ पानी खत्म हो गया था इतना पकाया, घुल गई है। और कैसे घुलती है फिर, तो वो बिल्कुल कड़ी जैसी बन जाती है ना। अच्छा सच सच बताना कैसी बनी हुई है। मेरे मुंह में पल्ली आने लग गया, पी लो उसी पानी को। हाँ जल्दी ले थोड़ा सा, वन स्पून। कैसा लगा? बोला थोड़ा मीठा ऐड कर दो उसमें। मीठा खिलाया अभी। चलो आ जाओ अपन अपना ले लेते हैं, इन ये तो अपना खाने में लग गए। ये देखो ये अचना की प्लेट है, थोड़ा सा नमकीन और ऐड कर दे रही है ना। तीखा हो गया क्या? कैसी बनी हुई है? नहीं बाबू को लग रहा था अच्छा लग रहा। रुद्रांश की अचना मौसी की बिल्कुल बैग पैकिंग होने लग गई है, सुबह उसको निकलना है। कपड़े का होगा, मौसी के कपड़ों का। तो अचना की सारी पैकिंग हो गई है, ये देखो उसके बिल्कुल लगेज रेडी हो गए हैं, सुबह निकलेगी वो। उसकी ट्रेन है 8:30 बजे। कितने दिन हो गए थे? कल 10 दिन है शायद। देख रहे हो कैसे गिन रही थी। मुझे भी याद आएगी। किसकी? आपको नहीं आएगी, आप मौसी को परेशान करते थे। नहीं
करवाते थे भूत वाली मूवी दिखाते थे। सुबह निकलना है हम, सोते हैं क्योंकि ना सुबह सुबह जाना तो हम लोगों को जल्दी उठना भी पड़ेगा और जल्दी सोएंगे तभी हम लोग जल्दी उठ पाएंगे है ना। जाते जाते अचना के बैग की चैन फेल हो गई है। ये देखो ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और ये जा रही है और अभी मैं डांस को रेडी करूंगी क्योंकि वो भी स्कूल जाएगा। ये हो गया रुद्रांश का लंच बॉक्स रेडी। आलू एंड मटर की सब्जी बनाई हुई थी सूखी और ये इसमें पूड़ियाँ रख दी हैं और ये अमरूद रखा हुआ है और केले को कट करके रख दिया और एंड ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए हैं। रुद्रांश को भी मैंने रेडी कर दिया है, उसको नहलाया नहीं है, जब वो वापस आता है तो उसके बाद में उसको नहला देती हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह ठंडी लगती है। इसका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ एंड अभी उसको कॉम वगैरह करनी है वो सब करके आती हूँ मैं क्योंकि ये तो गए तो आज तो मुझे ही जाना पड़ेगा सुबह सुबह छोड़ने के लिए। ये देखो इसका टिफिन रेडी हो गया है, इसको बैग में डाल देती हूँ और फिर इसको छोड़ के आती हूँ, बैग लगा देती हूँ, बुक वगैरह सारी उसकी इधर उधर पड़ी हुई है। चलो कॉम कर दें, फटाक से रेडी कर दें फिर छोड़ के आती हैं। मैं जा रही हूँ छोड़ने के लिए रुद्रांश को, मस्त दोनों इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं और धूप भी निकल आई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए स्कूल छोड़ के आते हैं एंड देन फिर मिलते हैं ना, तब तक के लिए बाय 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 कर दो बाय।